हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट्सएप के एक न्यू लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आज ही व्हाट्सएप के ऊपर आया है, और वो आया है इमोजीज एंड स्टिकर को लेकर। तो एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी सारे इमोजीज सेंड कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टिकर सेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है आपके इमोजीज एंड स्टिकर के यूज से, क्योंकि अब व्हाट्सएप के ऊपर आप इमोजी एंड स्टिकर के साथ अपने व्हाट्सएप के आइकन होता है, जो आपका प्रोफाइल होता है, आप उसके ऊपर इमोजी लगा सकते हैं फुल साइज के अंदर। तो वो किस तरीके से और कहां पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, आपको इसको किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो ग्रुप है या फिर अगर आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड है, आप जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे एंड उसके आप प्रोफाइल को अगर चेंज करने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्रोफाइल फोटो लगा रखा है, बट मैं जस्ट यहाँ पर इसके पेंसिल के आइकन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे अभी जो ऑप्शंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले तो इसके आइकन चेंज हो गए हैं, दूसरी बात यहाँ पर इसका बैकग्राउंड वगैरह यानी इसके सभी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो है आपके कैमरे का, क्या आप कैमरे के थ्रू कोई भी इमेज को कैप्चर करके उसको एज अ प्रोफाइल फोटो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके गैलरी के अंदर अगर कोई फोटो रखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर गैलरी के ऊपर क्लिक करके उसको ले सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन, जो है आपका इमोजीज एंड स्टिकर्स। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे, सबसे पहले तो प्लेन वाले बैकग्राउंड मिल जाते हैं। आप यहाँ पर कोई भी अपना प्लेन बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद आता है उसको। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपनी इमोजीज के अंदर अगर जाएंगे, तो जो इमोजी आपके कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल है, वो इमोजी आप डायरेक्टली यहाँ पर लगाकर उसको अपने ग्रुप के ऊपर ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इसको लिया है, अब मैं डायरेक्टली इसको जैसे यहाँ पर ओके करूँगा तो ये मेरे ग्रुप के ऊपर ये आइकन फिट हो जाएगा, ये प्रोफाइल फोटो लग जाएगा। बट उसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पर स्टिकर अगर है, तो हम यहाँ पर कोई भी स्टिकर लगा सकते हैं अपने मूड के हिसाब से, किसी दिन के हिसाब से, या फिर आपको जो भी लगाना है आप वो लगा सकते हैं। ये जो स्पेशल जो ऑप्शन है ये अभी आई थिंक ग्रुप के लिए, बट हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे जो हमारा पर्सनल रहता है नंबर, उसके लिए भी ऑप्शन है या नहीं, उसके लिए भी हम चेक करेंगे। तो जैसे कि हमने लगा लिया इसको, जस्ट हम यहाँ पर ओके करेंगे एंड आप देख सकते हैं आपका ग्रुप का जो आइकन है वो यहाँ पर जस्ट वन क्लिक के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये अभी एक नया अपडेट आया है व्हाट्सएप के ऊपर इमोजीज एंड स्टिकर का। बाकी ये जो है सर्च वेब, ये ऑलरेडी इससे पहले भी व्हाट्सएप के ऊपर था, जहाँ पर आप वेब सर्च करके भी अपना कोई दूसरा आइकन यहाँ पर ले सकते थे। अब उसके अलावा मैंने आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी है, अब बात करते हैं कि हमारे पर्सनल अकाउंट के लिए है या फिर नहीं है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे हमारे खुद के अकाउंट के अंदर, देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो नहीं, आई थिंक यहाँ पर खुद के प्रोफाइल के लिए शायद नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको चेक करेंगे। थ्री डॉट सेटिंग्स एंड यहाँ पर जाएंगे हमारे प्रोफाइल के ऊपर, देन यहाँ पर हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं आपका जो पर्सनल खुद का जो अकाउंट है, जो आपका सिंगल अकाउंट है, उसके लिए अभी आपको इमोजी एंड स्टिकर वाला या फिर सर्च वेव वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप किसी ग्रुप के अंदर है तो आप उसके आइकन को चेंज कर सकते हैं, जो कि आप अपने इमोजी या फिर स्टिकर या फिर कोई प्लेन बैकग्राउंड के साथ आप उसके अंदर कोई भी अपना एक स्टिकर ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, होप करता हूँ कि आपको व्हाट्सएप का एक न्यू इमोजी एंड स्टिकर वाला अपडेट अच्छा लगा होगा एंड आपको ये वीडियो भी समझ में आ चुकी होंगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोज मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।